अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप सब क्या हो क्या आप सब ठीक होंगे? पेरी पेरी सॉस किस तरह से बनाते हैं, होममेड? आप मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखें, आप घर में आसानी से बना सकते हैं। ये थोड़ी सी तीखी होती है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला होता है और आराम से आप बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बना सकते हैं। ये मैंने ली है कश्मीरी मिर्च, इसको मैंने ओवरनाइट 7 से 8 अदद ली थी और इसको मैंने सिरके में डिबो कर रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अगर आप इसके बीज निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ये लिए आधा कप सिरका, आधा कप ऑयल, 8 अदद गोल वाली लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च है 2 चम्मच, 2 चम्मच राई दाना है, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 चम्मच, लहसुन है 5-6 अदद और 1 प्याज है। अब मैंने सब इसको ब्लेंडर में डालकर उसी पानी में, जिस पानी में मैंने भिगोया था उसी पानी से मैं इसको ब्लेंड करूँगी और अच्छे तरीके से ब्लेंड करके कि कोई ऐसा लम्स ना रहे। अगर इनके इस लम्स रहता है तो आप छन्नी से छान सकते हैं। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें, लेकिन बाहर रखना बेहतर नहीं होगा क्योंकि गर्मियां हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं होती, आप फ्रिज में ही नॉर्मली रखा करें और ये कम से कम आपकी चल जाएगी, 1 से 2 महीना आराम से चल जाती है। ये आप टिक्कों के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ ये खाई जाती है। अब मैंने डाला है आधा कप सिरका और उसमें मैं एंड में नमक डालती हूँ। आपको पता है नमक मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, आप चख लीजिएगा। और फिर मैंने उसी सिरके को मैंने थोड़ा सा मैंने और ऐड किया क्योंकि बहुत थिक लग रही थी। इसकी कंसिस्टेंसी ना थिक होनी चाहिए ना थिन होनी चाहिए, बिल्कुल लिक्विडी होनी चाहिए और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत तीखी होती है और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।